सबसे पहले यार, ठीक है, ओके ओके। अरे फोन कर देगा उसके, मतलब सॉरी, फिर से शुरू करते हैं, सब कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मेरा नाम है श्लेषा मिश्रा और मैं एक्चुअली पहले भी इस टीम से जुड़ी थी, अभी भी जुड़ी हूँ और बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी लिए हैं। सो मेरे बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हैं, बट जो अभी जिस फिल्म के लिए ये इंटरव्यू है, उस फिल्म का नाम है भाभी की बारात। आप लोग सेट पे भी थे, तो लास्ट डे जिस दिन क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, उस दिन टीम के जितने भी कास्टिंग थी और जितने भी क्रू थे, डायरेक्टर, DOP, एवरीवन वाज देयर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट डे में शूट ख़त्म करके, और विद इन 15-16 डेज ये शूट ख़त्म हुआ है। फिल्म का क्या स्टेटस है मैडम, फ्लोर पे है, कब तक इसका पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा और फिल्म लोगों के बीच कब तक आएगी? फिल्म एक्चुअली ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, शूटिंग ख़त्म हो चुकी थी कब की, और डबिंग भी ख़त्म हो चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है अप्रैल या मई तक ये फिल्म आ जाएगी। और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, उम्मीद बहुत है, शायद लोगों को बहुत पसंद आए। नाम बड़ा यूनिक है, मैंने दोस्तों की शादियों के बारे में सुना, आज मेरे यार की शादी है, भाभी की बारात, नाम बड़ा यूनिक है, आपको नहीं लगता? एक्चुअली मैंने पहले इंटरव्यू में बताया है कि जो भाभी की बारात में भाभी है वो मैं ही हूँ। सो जो टाइटल है वो सुन के इसलिए थोड़ा अजीब लगता है, और ऐसा लगता है कि आपने सही बोला कि मेरे यार की शादी है, मेरे और दोस्त भाई बहन सबकी शादी होती है, लेकिन एक ऑर्थोडॉक्स फीलिंग और एक ऑर्थोडॉक्स नेचर होता है जो सोसाइटी का, कि अगर घर में भाभी अगर विधवा हो जाती है, अपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी जिसमें घर में अगर भाभी हैं और किसी भी इंसिडेंट से अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो लड़की की फैमिली वाले कभी नहीं चर्चा करते हैं कि उसकी दूसरी शादी की जाए, ना ससुराल वाले, उसको बची खुची ज़िंदगी ऐसे ही काटनी होती है। सो टाइटल सुन के आधे ज़्यादा लोग को तो यही लगेगा कि मतलब रिवील कर रहा है अपने आप में स्टोरी की, जो भाभी है उनकी बारात निकाली जा रही है। बिल्कुल। ऑल्सो क्या आपको लगता है कि जो भोजपुरी की जो ऑडियंस है वो क्या इस तरह के सब्जेक्ट के लिए तैयार है, अभी अगर एज एन एक्टर इस बारे में कुछ बात करें? देखिए मेरे हिसाब से बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं जिसने भोजपुरी कल्चर को काफ़ी बदला है, बहुत बदलाव आया है, और उस कल्चर को चेंज करने में ऐसी ही फिल्मों का हाथ है। आप देखते जाएंगे कि जो पहले ट्रेंड था भोजपुरी का, वो चेंज हो के अब एक ऐसे लेवल पे हुआ है जहाँ पे औरतों को सम्मान मिलना शुरू हुआ है, औरतों पे फिल्में बनना चालू हुई हैं, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म अब आने लगी है भोजपुरी में। तो शायद भाभी की बारात ये टॉपिक से जो महिलाएँ हैं, अगर आप देखोगे तो भोजपुरी और हिंदी सीरियल्स वगैरह सबकी जो जनता है वो फीमेल्स ही हैं, मेल नहीं है, तो डेफिनेटली सपोर्ट तो सब करेंगे, क्योंकि एक फिल्म से इंसान की मेंटालिटी चेंज होती है, और जब मेंटालिटी चेंज होती है तो वो बदलाव आपको सोसाइटी में भी दिखता है। ऑल्सो अगर बात करें हम आपके कौन फिल्म में, भी कुछ इसी तरह का किरदार था, लेकिन वहाँ पर वो बड़े भाई की शादी की तैयारी करते हैं, तो आपको लगता है कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे, और जिस तरह से उस समय लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था, अब भी वापस से मतलब भोजपुरी सिनेमा में एक नया बदलाव आए? जी, जो आपने फिल्म का रेफरेंस दिया है वो बहुत ही प्यारी फिल्म थी, और वो कितने साल पहले बनी थी और काफ़ी चर्चा में रही थी और लगातार सिनेमाघर में लगी हुई थी फिल्म, लेकिन इस फिल्म का उस फिल्म से उतना कनेक्शन नहीं है। अगर मैं जो मेन उसका क्या बोलते हैं, नॉट गेटिंग द वर्ड, जो मेन सस्पेंस है, अगर वो मैंने आपको रख दिया सामने, तो आपको तो पता है कि उसमें तो भाई जो बड़े भाई उनसे शादी होती है, लेकिन उस फैमिली के अंदर जो पहले हो चुका है, जैसे जो हमारी फिल्म है भाभी की बारात, उसमें जो मेरी सास होती है वो पहले से ही विधवा होती है, जो जो स्टोरी है ना वो किसी एक की नहीं है, इसमें जुड़े सारे फैमिली मेम्बर की स्टोरी है और सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। तो बजाय घर के ही रिश्ते में किसी को जोड़ने से, वो परिवार ने भाभी के बारे में क्या सोचा, ये फिल्म देख के आपको पता चलेगा। मैडम फिल्म थिएटर के लिए है या फिर टेलीविजन के लिए है? एज फार एज आई नो जो कैमरा हमारा यूज़ हुआ है वो थिएटरकल कैमरा है, एरी, एंड जब आप ऐसे कैमरे से शूट करते हैं तो उसके होप होते हैं कि वो बड़े स्क्रीन पर रिलीज़ की जाए, और मेरी तो उम्मीद यही है कि बड़े स्क्रीन पे हो, बिकॉज अब तक जितनी मैंने फिल्में की हैं वो बड़े स्क्रीन पर नहीं आई हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, OTT पे ऐसे आई हैं। सो मेरे लिए भोजपुरी की, हिंदी और गुजराती वगैरह वो सब आई हैं, बट भोजपुरी की नहीं आई है, तो मेरी उम्मीद पूरी है कि प्लीज़ ऐसा हो कि ये थिएटर में रिलीज़ हो, क्योंकि थिएटर में अगर आती है तो होपफुली ये थोड़ा सा चेंज आएगा, वुमेंस को और एम्पावरमेंट मिलेगा इससे। श्लेषा अपने बारे में बताइए मुझे, एक सवाल मेरा ये है कि हालांकि मैं पिछले कुछ इंटरव्यूज में नहीं था, मेरी कुछ
निजी व्यस्तताएं थी, आप अपने बारे में जरा बताइए कि आप कहाँ से आती हैं श्लेषा मिश्रा और फिल्मों में जो है वो एक्टिंग कैसे? इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. मैंने कभी शायद शेयर भी नहीं किया, किसी इंटरव्यू में नहीं बोला है. बैक इन 2016 आई केम टू मुंबई, एंड उससे पहले मैं जो अपनी करियर की शुरुआत की थी, आई वॉज असिस्टेंट टू गणेश आचार्य एंड देन डिफरेंट कोरियोग्राफर्स. एंड उसके बाद मैंने शुरू किया है अपना जर्नी थिएटर से, जिसमें से बहुत सारे ऐसे थिएटर के बैकग्राउंड रहे हैं जिसमें मैं कनेक्टेड रही हूँ. एक्टिंग का जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो थिएटर से कनेक्टेड है, और वो बैकग्राउंड मुझे बहुत हेल्प करता है एक आज की जो मॉडर्न एक्टिंग है और नेचुरल एक्टिंग. क्योंकि जब आप थिएटर परफॉर्म करते हो तो आपको एक रियलाइजेशन होता है कि जो मंझे एक्टर होते हैं उनको ना आपको कैमरे के सामने लाकर खड़ा करने में एक बार भी अफसोस नहीं हुआ. क्योंकि थिएटर के एक्टर आप देखोगे बड़ी बड़ी फिल्मों में, विजय राज हों, बहुत सारे हैं, नसीर साहब जी, सब लोग जो थिएटर के एक्टर हैं आज भी जब पृथ्वी में जब थिएटर्स में ये लगते हैं अपने प्ले लगते हैं तो वो लोग आज भी लाइन में खड़े होकर अपने प्ले को देखने जाते हैं और टाइम देते हैं. तो वो बैकग्राउंड रहा है. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड एक्टिंग इन सीरियल्स, बट वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं थी. फिर मैंने मूवी में शुरू किया, एंड तब से लेकर अभी तक एक अच्छी तलाश है मुझे एक अच्छी फिल्म की, एक अच्छी स्टोरी की, और ऐसा कि कोई मुझे उस तरीके से सिनेमा में दिखाए जो मैं चाहती हूँ, लाइक राउडी, पावरफुल, रिबेलियन, ऐसा कुछ. आपने जो स्किल्स हैं, जैसे आपने असिस्ट किया गणेश आचार्य साहब को, और डांसिंग स्किल्स जो आपके हैं, मुझे नहीं लगता कि भाभी वाले किरदार में उनका पूरा इस्तेमाल हो पाया होगा. एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. बिकॉज अफसोस इसी चीज़ का रहा है कि मतलब मेरे अंदर जो टैलेंट है, क्वालिटी है, वो शायद अब तक सिर्फ मैं एक्टिंग के थ्रू ऑडियंस तक पहुँचा पाई हूँ. बट येस, डांस इज माई फोर्टे एंड आई लव डांसिंग. इट्स नॉट जस्ट क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी और एवरीथिंग. आई डू कथक, आई हैव अ डिग्री फ्रॉम भारतेंदु नाट अकेडमी. सो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट पैकेज की एक ऐसी स्टोरी मिले जहाँ पे मैं अपने सारे टैलेंट को मैं ना फ्लोर पर लेकर आ पाऊँ. जब पता चले कि हाँ, मतलब मुझे, मैं चाहूँगी, क्योंकि कब तक अब मतलब एक एक करके फिल्मों में सिर्फ एक एक पार्टी देखना है, मेरा डांस भी देखना चाहिए. एंड ऑल्सो आई एम अ गुड मार्शल आर्टिस्ट. बट रियली आई अप्रिशिएट दैट मैडम कि आप भले ही फिल्म में, हो सकता है आपके कुछ बेटर ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन फिर भी आप फिल्म को अप्रिशिएट कर रही हैं, फिल्म को प्रमोट कर रही हैं, जो कि बहुत सारे एक्टर्स नहीं करते हैं. तो इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ. आप आगे आई और आप अपनी फिल्म को कम से कम प्रमोट कर रही हैं. आप पास्ट में थोड़ा सा पीछे जाएं तो भोजपुरी सिनेमा में आपने किन किन लोगों के साथ काम किया श्लेषा जी? ओके, तो जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था वो मैंने किया था चिंटू पांडे जी के साथ, सजन रे झूठ मत बोलो, जो हाल ही 2023 में रिलीज़ हुई है जियो सिनेमाज पे. उसके बाद मैंने लंदन में शूट किया था रितेश पांडे जी के साथ. वो फिल्म आने वाली थी लास्ट ईयर ही, बट सम हाउ इट स्टक इन बिटवीन, और होपफुली वो मार्च में रिलीज़ हुई है. साथ ही साथ बहुत चर्चा में रही लव कनेक्शन 2, जिसके हमारे मेरे को एक्टर थे मेरे ऑपोजिट रवि त्रिपाठी जी, और वो फिल्म रिलीज़ हुई थी लास्ट ईयर ही. वो भी रिलीज़ हुई थी एंटरटेन रंगीला पे. बहुत ही सुपर हिट फिल्म रही थी, स्टोरी भी बहुत कमाल की रही थी. वो भी एक ऐसी फिल्म थी जो पारिवारिक फिल्म थी और ऐसी स्टोरी थी, मतलब पिछले इंटरव्यूज़ में मैंने ये चीज़ देखा है कि वो कभी ना वो ट्विस्ट होकर कहानी आई है कि हिंदू और मुस्लिम की जो वो बीच का जो रास्ता है वो चूज़ करना पड़ा उस स्टोरी में. बट कभी भी किसी चीज़ के खिलाफ नहीं रही कि मतलब मुझे ऐसी स्टोरी नहीं करनी है. सेम भाभी की बारात में भी यही है कि मुझे जब स्टोरी सुनने में आती है तो लगता है कि यार मतलब मुझे चैलेंजिंग रोल मिलने चाहिए जहाँ पे मैं ये ना सोचूं कि मैं इतना कठिन नहीं कर पाऊँगी, मुझे और क्या चैलेंजिंग मिल सकता है. फर्स्ट मेरी जो भी लाइनअप है दैट इज़ लव कनेक्शन 2, एंड सिमिलर ऑन द सेम टाइम आई गेस आएगी अतीत एक प्रेम कथा जो रितेश पांडे जी के साथ की है, जल्दी आने वाली. बिकॉज मार्च एंड में मुझे अब तक जो डेट मिली है वो यही मिली है कि मार्च में दोनों फिल्में आने वाली हैं. उसके साथ ही साथ मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ तक भाभी की बारात आ जाएगी. एंड ऑल्सो मैं दो तीन अच्छे प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ जिसको मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी, बिकॉज मेरे साथ एक सुपरस्टिशियस मेरा माइंड सेट है. अगर मैं कुछ बड़ी चीज़ें बता देती हूँ संभव वो नहीं होती है. लास्ट इंटरव्यू में मैंने इंस्पेक्टर अविनाश के बारे में बताया था और संभव आई गॉट आउट ऑफ इट. सो अभी लग रहा है कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं उसके लिए भी एक स्पेशल इंटरव्यू रखूंगी और मैं बताऊंगी. ये रिलीज पे भी हो सकता है. बिल्कुल, लेट द राइट टर्म कम. कोई बात नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड